याद किया जाए। हमारे वो प्यारे जो 10-10, 15-15 सालों से आपके जिंदानों में कैद हैं, हम हर बार 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 यही कहते आए हैं कि अगर हमारे प्यारों से कोई जुर्म सरजद हुई है तो उन्हें अपने बनाए हुए कोर्टों में पेश करें। वो कोर्ट जिसको आप अपना एक मजबूत पिलर कहते हैं, और वो आईन जिसको आप अपना कुरान कहते हैं, और उसी रियासत के मुताबिक उसे चला रही है। लेकिन हम वो बदबख्त लोग हैं कि वो आईन हमारे लिए कभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं। हम हर बार आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। बलोचिस्तान वो सूबा जिसे आप अपना एक सूबा कहते हो, और शायद उसी एक सूबे पे ये पूरा रियासत चल रहा है। उस रियासत को चलाने वाला ये सूबा, वहाँ के लोग इतने जुल्म का शिकार हैं। वो आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तकते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। हाल ही में अब्दुल हमीद जहरी, जिनको 8 महीने पहले यहीं कराची से लापता किया गया, एक हफ्ता पहले उनकी बेटी यहाँ रोड पे आके जोर जोर से सोती है, चिल्लाती है कि मेरे बाबा को बाजियाब किया जाए। अगर मेरे बाबा से कोई जुल्म सरजद हुई है, कोई जुर्म सरजद हुई है, तो उनको कोर्ट में पेश किया जाए, भले ही आप उन्हें फांसी की कैद सुना दें, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बदबख्ती है, आपको हमारी बात में यकीन ही नहीं होता, आपको अपने कोर्टों के जरिए में यकीन ही नहीं होता। वो आईन जो सिर्फ एक किताब बन के रह चुकी है, उस आईन को काम करने दें, अपने आईन की इज्जत करें, और हमारे लोगों को वाजियाब करें इसी आईन कानून के तहत, जो खुद ये बताती है कि अगर कोई शख्स गद्दार भी है तो उसे 24 घंटे के तहत किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और उसका जुर्म बताया जाए कि वो उसे कौन से जुर्म सरजद हुई है। लेकिन आपको अपने आईन पे यकीन नहीं है, उस आईन को बस अपने बंद करके रखा हुआ है, जो सिर्फ एक बंद किताब के और कुछ नहीं है। अब मैं अब्दुल हमीद जहरी की बेटी सईदा को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं लापता अब्दुल हमीद जहरी की बेटी हूँ। 10 अप्रैल की रात आप सबके लिए एक आम सी रात होगी, लेकिन वो रात मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत अजियतनाक थी। उस रात हम पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, हम पे बहुत जुल्म किया गया। मेरे बाबा को लेकर चले गए, मेरे बाबा को उस रात जबरदस्ती हमारे घर से उठाया गया। 8 से 10 अफराद के करीब निकाब पोश लोग जो कि हमारे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए, और वो बार बार शिनाख्ती कार्ड और मेरे बाबा का मोबाइल फोन पूछ रहे थे। मोबाइल फोन को चेक नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा का शिनाख्त कुछ इस तरह किया कि उनके पास मेरे बाबा की तस्वीर पहले से ही मौजूद थी, और हमें कहा कि ये एक चेकिंग है, हम 5 मिनट में आपके बाबा को छोड़ देंगे। लेकिन वो 5 मिनट आज तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हुए, आज तक वो जुल्म जब हम सहते आ रहे हैं। उस रात के बाद हमारे घर पे सुबह नहीं हुई, उस रात के बाद हमारे घर की दहलीज पे सुबह नहीं हुई। मेरे बाबा को
मेरे बाबा की शफकत में हमारे घर पे सुबह होती थी, शाम होती थी, हम उनके आवाज पे दौड़े चले आते थे। मेरे छोटे छोटे 8 बहन भाई है। मेरी 3 साल की एक छोटी सी बहन है मारोज, वो पूछती है बाबा कहाँ गए। मैं उसको क्या जवाब दूं कि बाबा कहाँ गए, उन्हें कौन लेकर गया और क्यों लेकर गया। मेरे बाबा एक छोटे पैमाने पर कारोबार करते थे। हम लोग, मेरे बाबा हमारी तालीम तरबियत का ख्वाब लिए अपने साथ एक छोटे इलाके से हमें निकाल कर कराची लाए ताकि हम कुछ पढ़ लिख के और कुछ अपना मुस्तकबिल सही से बना लें। लेकिन अफसोस, उन जालिमों ने हमारे घर बगैर किसी वारंट, बगैर किसी केस, मेरे बाबा को जबरी तौर पर लापता किया। आज 8 महीने और 22 दिन हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता मेरे बाबा कहाँ हैं। मेरे मासूम छोटे बहन भाइयों पे जुल्म मत करो, इन पे रहम करो, इन पे रहम करो। मैं कितनी दफा बोलूं मेरे बाबा को बाजियाब करो। मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाबा को इतना, और मेरे बाबा शुगर के मरीज हैं। क्या किसी शुगर के मरीज को और एक ज़ईफ़ इंसान को और एक बेगुनाह बेगुनाह इंसान को इस तरह लापता करना इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी नहीं? उसके बच्चों पे इतना जुल्म मत करो। ये छोटे बच्चे आपके जुल्म से अभी तक वाकिफ नहीं हैं। कल को ये इस जुल्म से वाकिफ होंगे, इस रोड पे आएंगे अपने बाबा की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सराबा एहतजाज करेंगे। आप कितनों को चुप कर पाओगे? हम सिर्फ पुरमन एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने बाबा को वापस चाहते हैं। मेरे बाबा अब्दुल हमीद ज़हरी को बाजियाब किया जाए, हमें इस ज़हनी अज़ियत से निजात दिलाया जाए। इस साल के पहले दिन के मौके पर, साल के पहले दिन के मौके पर लोग अपने प्यारों के साथ होते हैं, प्यारों के साथ ये दिन मनाते हैं खुशी से, लेकिन हमारे प्यारे तो जिंदान में कैद हैं। वो मेरे बाबा जहाँ कहीं भी होते वो हम उनके पास दौड़े चले जाते, या वो खुद आ जाते, उनको कैद करके रखा है, वो नहीं आ सकते। मैं इमरान खान से अपील करती हूँ, इस मुल्क के इदारों से, इंसानी हकूक के इदारों से अपील करती हूँ कि मेरे बाबा को बाजियाब करो। मेरी छोटी बहन मारो, उस पे जुल्म मत करो। आपके इस जुल्म से मेरे छोटे बहन भाई वाकिफ नहीं है। कल को ये रोड पे निकल आएंगे तो आप उनको भी गद्दार कहोगे। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। जो हमारा है वो हमें दो, जो हमारा है वो हमें दो। मेरे बाबा मुझे वापस कर दो, मेरे मासूम बेगुनाह बाबा मुझे वापस कर दो। मेरे बाबा, आप इन छोटे बच्चों के दिलों में नफरत मत फैलाओ। कल को ये बड़े होंगे, मेरी तरह आएंगे, अभी भी मेरे छोटे बहन भाई रो रहे हैं। मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं उनको क्या जवाब दूँ? मेरे बाबा को बाजियाब करो। आप इनके दिलों में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आप इनके दिलों में नफरत मत फैलाए। बलूचिस्तान में हर दूसरा बच्चा इस नफरत, इस जबर का शिकार है, क्योंकि उनके प्यारों को लापता किया जाता है, उनके मासूम बेगुनाह लोगों को लापता किया जाता है। मेरे बाबा बिल्कुल मासूम बेगुनाह है। आपको उनकी बेगुनाही का सबूत हर उस शख्स से मिलेगा जिससे मेरे बाबा मिल चुके हैं। मेरे बाबा को बाजियाब करो। मैं कुछ नहीं चाहती इस मुल्क से, मैंने क्या मांगा? मैंने सिर्फ अपने बाबा की बाहिफाजत बाजियाबी मांगी है। मेरे बाबा को बाजियाब करो, खुदारा हम पे रहम करो। उस रात 10 अप्रैल की रात मेरे बाबा जल्दी सो गए थे और हमें कह रहे थे कि बेटा सुबह फजर की नमाज के लिए उठेंगे, कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन उस दिन जालिमों ने बगैर किसी वारंट हमारे बाबा को उठा कर लेकर चले गए। क्या उस रात मेरे बाबा को,
उस असियत गांव में इबादत करने दी होगी। क्या मेरे बाबा को सुकून से रहने दिया होगा? क्या हमें सैनी असियत से निजात दिलाओ, हम पे रहम करो। कल को मैं अपने इन छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर इस्लामाबाद के रेड जोन में आकर धरना दूंगी। फिर ना कहना, फिर ना हमें कतार कहना, मैं अपने बहन भाइयों के साथ एहतजाज करूंगी। इनके साथ मिलकर मैं इस्लामाबाद के रेड जोन में आके धरना दूंगी। फिर 10 लोग आपका तमाशा देखेंगे, लेकिन वही 10 लोग हमारा तमाशा भी देखेंगे। फिर ना कहना कि हमारी बदनामी हुई, फिर ना कहना इन मासूमों पे हमने जुल्म किया। मेरे बाबा का किसी भी किस्म के सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इन मासूमों पे रहम करो। चलो मानते हैं ये बड़े ताकतवर लोग हमें कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्या आपको रब से डर नहीं लगता? वो ऊपर बैठा है, उस पर डर नहीं लगता? क्या उस रात मेरे बाबा को जजियत गाह में इबादत करनी दी होगी? अगर हम चैन से नहीं रह सकते, हम धरना देंगे इस्लामाबाद में, फिर ना कहना हमारी बदनामी हुई। मैं उस वक्त तक सराफा एहतजाज रहूंगी जब तक मेरे बाबा बाजियाब नहीं होकर आ जाते। हमें इस तरह रोडों पे जलील मत करो, हमें इस तरह खुदारा रोडों पे जलील मत करो। आपको बलूचिस्तान के रिसोर्सेज याद आते हैं, लेकिन ये मासूम बेगुनाह याद क्यों नहीं आते हैं? क्यों याद नहीं आते आपको? मेरे बाबा को बाजियाब करो, हमारा तमाशा इन रोडों पे नहीं बनवाओ। मेरे बाबा मासूम बेगुनाह किसी का नाम तक नहीं लेते थे इन अपने बच्चों की खातिर, लेकिन उसके बाद मेरे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाई आज तक स्कूल को सही तरह देख नहीं पाते, आज तक अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाते। किस वजह से? इस वजह से कि आप इनके दिलों में नफरत फैला चुके हैं, आप इन्हें असीयत दे रहे हैं। जब इनके दिलों में नफरत होगी, तो जब इन इस तरह नफरतों के बीच बोए जाते हैं, तो इस नफरतों को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बलूचिस्तान में हर दूसरा बच्चा इन मुश्किलों का शिकार है, इन नफरतों का शिकार है। कल को हम सब एहतजाज करेंगे अपने प्यारों के लिए। मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे 8 महीने चुप करवाया कि तुम्हारे बाबा बेगुनाह हैं। मैं उनकी बातों में नहीं आती, लेकिन मैं अपने बाबा की बेगुनाही में आई हूँ। मेरा तमाशा मत बनवाओ इस तरह लोगों के सामने। मेरे बाबा मासूम है, उनको रिहा करो। तमाम बलोचिस्तानी पर्सन को रिहा करो। ये सब ये मेहनत हमने बाबा को ढूंढते ढूंढते 12 साल हो गए। क्या मैं भी इनकी तरह अपने बाबा को ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दूं? क्या मेरी छोटी 3 साल की मारोज क्या माजेब की तरह कैंप्स में बड़ी होगी? क्या इन रोडों पे बड़ी होगी? क्या उसे हक नहीं? क्या उसे जीने का हक नहीं? क्या हमें कुछ बोलने का हक नहीं? हम क्यों? हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म बस इतना है कि हम बलोच हैं। हमारा जुर्म इतना है कि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये नस्ल कुशी बंद करो, इन बेगुनाहों को रिहा करो। मेरे बाबा बिल्कुल बेगुनाह है, वो किसी का नाम तक नहीं लेते थे। मेरे बाबा को बाजियाब किया जाए, बाहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। इस जुल्म को, जबर को ख़त्म करो खुदारा। इस नफरत को ख़त्म करना चाहते हो? इस जुल्म को, जबर को अगर ख़त्म करना चाहते हो, तो अपना ये जिबरी गुमशुदगी करने वाला सिलसिला ख़त्म करो। लोगों को लापता करने का सिलसिला ख़त्म करो। हमारी नफरतें आपके दिल से ख़त्म हो जाएंगी। हम आपको ये नहीं कहते कि हम आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आप हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं? मेरे बाबा शुगर के मरीज हैं। क्या आप ये लापता करने वालों के बच्चे नहीं? क्या इनको कानून और आईन इनका डर नहीं? क्या लोन की पाबंदियाँ इनके लिए नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है इनके लिए कोई? मेरा सिर्फ मुतालबा इतना है कि मेरे बाबा को बाजियाब करो। मेरा मुतालबा इंसानी हकूक के तमाम तर इदारों से है, पाकिस्तान की हुकूमत से है, सिंध पुलिस से है कि मेरे बाबा को बाजियाब किया जाए, इन मासूम पे रहम किया जाए, इस मासूम पे रहम किया जाए। 8 महीने ये हमसे 5 मिनट भी दूर नहीं रह सकते थे। एक दफा मुझे याद है,
मैंने बाबा के लिए चाय बनाई थी, लेकिन मेरे बाबा 15 मिनट लेट हो गए। मैंने कहा बाबा आप लेट क्यों हो गए, तो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं मैं चाय पी लूँगा। मैंने कहा नहीं बाबा मैं आपको ये ठंडी चाय पीने नहीं दूँगी, आप मेरे बाबा हैं, मैं उनको वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते थे और ना मैं उनको देख सकती हूँ। उस बेगुनाह पे रहम करो, मेरे बाबा को बाज़याब करो, बाहिफाजत बाज़याब करो, फौरी तौर पर बाज़याब करो। इस जुल्म से हमें निजात दिलाया जाए, मेरे छोटे मासूम बहन भाइयों पे रहम किया जाए। इनकी छोटे खेलने की उम्र में ये लोग अपने प्यारों की तस्वीरें पकड़ के सरापा एहतजाज है और हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे। हमारे आंखों में आंसू हैं, हमें नींद से हम सही से सो नहीं पाते, हम रात भर बैठ के अपने बाबा का गेट पे इंतजार करते हैं कि वो कब दरवाज़ा बजाएंगे, कहेंगे बेटा मैं आ गया। लेकिन वो तो छोड़े ना मेरे बाबा को, मेरे बाबा कहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे बाबा को बाज़याब करो, मेरे बाबा को बाज़याब करो। मैं कितनी दफ़ा बोलूँ मुझ पे रहम करो, इन छोटे मासूमों पे रहम करो। आज साल के इस मौके पर लोग अपने प्यारों को सुनाते हैं, लेकिन मेरे बाबा को जिंदा में कैद उनका गुनाह क्या है। मुझे तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल बेगुनाह है, उनको छोड़ कर जाकर आप ने क्या कर कर मेरे सवाल है क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या है। उस रब से करो वो अगर इंसान भी आएगा तो बहुत बुरा होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे बाबा को आप खुद बाज़याब करवाएं। क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि अपने शहरियों के हिफाजत करे, लेकिन यहाँ तो या क्या ये होती है हिफाजत, क्या ये है हमारी हिफाजत? ये आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, इस तरह आप हमारे लोगों को बाज़याब करें। हम तमाम बलोचिस्तान को बाज़याब करो, इन छोटे छोटे बच्चों के बाबा को बाज़याब करो, इन छोटे छोटे बहन इनके भाइयों को बाज़याब करो, इन मासूमों पे रहम करो। आखिर मैं आज इतना बोल रही हूँ सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे बाबा वापस आ जाए। मैं नहीं आऊँगी यहाँ, मैं वापस कभी भी नहीं आऊँगी इस प्रेस क्लब के सामने, ये सही जामी और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किसी को नजर नहीं आएगी। इनको क्यों रुला रहे हो, इनका गुनाह क्या है मुझे बताओ, मेरा गुनाह क्या है? मेरे बाबा का गुनाह बस इतना है कि वो बेगुनाह है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको अपनी अदालत में पेश करो ना, जो अदालत तुमने बनाया है उसमें पेश करो। अगर मेरा तमाशा क्यों बनवा रहे हो, मेरे बाबा को अपने बनाए हुए अदालत में पेश करो। अगर मेरे बाबा ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया, उसको साबित करो, फिर जो सजाए दो हमें मंजूर है, हमें बिल्कुल मंजूर है। लेकिन इस तरह मुझे पता है कि मेरे बाबा बेगुनाह है, इसलिए आप उनको अदालतों में पेश नहीं कर रहे। क्या ये भी बताने से काफी रहो कि वो बेगुनाह है? क्या ये हक ये मुतालबा करने का हक, ये बोलने का हक ये हमें रियासत देता है? हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। मैं उस वक्त तक बोलूंगी जब तक मेरे मासूम बाबा वापस नहीं आते। इन सब बलोच लापता अफराद को बाज़याब करो, इन सब मासूमों को बाज़याब करो, हमारी नस्ल कुशी बंद करो, इन छोटे बच्चों पे रहम करो। कल को ये सब आपके खिलाफ ना हो जाए, इस बात से थोड़ा आप डरें, इस बात से हम पे रहम करें। शुक्रिया।